guys, welcome back to my channel. It's me, Sambreen, and here I am back with another interesting video. So today I'm going to read my Facebook messages right in front of you guys. It's going to be super fun and interesting. So chalo, let's start. Let's see kya hai. Okay, so it says, you think you are too cool. You are the weirdest person I have ever seen. First of all, I feel aap khud cool banne ki koshish kar rahe ho. Cool ko cute लिखकर and weird होने में बुरा क्या है? It's good, right? I'm weird, I'm different. इसमें कुछ बुरा तो है नहीं. So no problem. Okay, next. Can you be my friends? I work in hotel manager job. Hotel manager job. ठीक है, friendship के लिए he's asking, that is fine. But then ऐसे hotel manager का friendship से क्या मतलब? मतलब if you are a hotel manager तो ही friend बन सकते. What rubbish. Next. Hey guys. Guys. मैं अकेली तो हूँ गाइस क्या. Hey guys, this is Tausif Shah, your Facebook friend. This is my new Facebook account. My old Facebook account has been disabled for no reason. Please add me here. ये भी अकाउंट डिसेबल हो गया है वैसे. ऐसा करते क्या हो कि सारे अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं आपके. Hello, my name Yelena, write me back. ये भी एक अकाउंट है जो डीएक्टिवेट हो चुका है. ओके Yelena, बाय बाय. Sameer, I love you. Sameer and I love you. Ek toh she is a girl and then she loves me. Probably she is not a girl, she is a lesbian. And she loves me but she cannot pronounce my name acche se. Sameera likha usne Sameer ko. To aisa kaisa pyaar ki apna naam bhi theek se na pronounce kar sako. Fake love. Fake account ki tarah. Love bhi fake. Next. Hello. How are you? Hello. I am sex boy. मैंने playboy सुना था. Sex boy क्या होता है? Sex boy? और अगर हो भी आप तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या करूँ? Weird. Next. Assalam o Alaikum. Busy हो क्या? Okay. Bye. मतलब इसने खुद से खुद को reply करके चला गया. Wow, so sweet. मतलब खुद से बात कर रहा है. Not sweet, weird. क्या sweet Sameer? Weird. Creepy. Okay, next. वैसे आप थोड़ा smile देते तो बहुत sweet photos आते. वैसे ये भी खराब नहीं है. What is this? हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दो तो याद ही आ जाता. मतलब इनको क्या लगता है ऐसे नेट से आप कॉपी पेस्ट करके शायरी भेज दो तो ऐसे इंप्रेस हो जाएंगे हम. ऐसा नहीं होता. एंड ठीक है, मतलब स्माइल नहीं देना मुझे. स्माइल मैं तो ऐसे ही फोटो लूंगी. कुछ भी. नेक्स्ट. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. हाय Sameer, आई डोंट नो यू. नहीं, आई डोंट नो हु गॉट क्रश ऑन मी. यू लेट मी नो बट आई डोंट हैव टाइम टू प्ले दिस गेम. यू कैन ऐड मी एट व्हाट्सएप. स्टे कूल एंड टेक गुड केयर. चीयर्स वाई. चीयर्स वाई. चीयर्स वाई. हाँ क्या है ये? मुझे नहीं समझ रहा. एंड ऐसे कौन इतना डिफिकल्ट होता है ऐसा कैपिटल स्मॉल कैपिटल ऐसा कौन मैसेज लिखता है? नॉर्मल तुम स्मॉल कैपिटल एक ही उसमें लिखो ना. टू का टी ओ का टू. एंड वन सेकेंड, व्हाट इज दिस? विच गेम? व्हाट इज दिस? एंड व्हाई वुड आई बी इंटरेस्टेड टू नो कि हु गॉट क्रश ऑन हिम? दिस इज सो वियर्ड मैन, दिस इज सो वियर्ड. ओके, लेट्स सी अगला वाला. आई होप ये थोड़ा बेटर हो. ओके, अच्छा मतलब ये खुद से ही कह रहा है. ओके, लेट्स नो ईच अदर. आई एम भरत सिंह. ओह गॉड, मतलब आई शुड नॉट लाफ. दिस इज नॉट फनी बट दिस इज मेकिंग मी लाफ. भरत सिंह पब्लिक कॉल्स मी कुत्ता. Who does this? ऐसा कौन करता है? मतलब ठीक है, इवन इफ पीपल कॉल यू कुत्ता इट्स ओके. ऐसे कौन बताता है? इसमें ऐसा कुछ ब्रैग करने जैसे तो था नहीं कि मतलब व्हाट डिड ही इवन एक्सपेक्ट. मैं क्या रिप्लाई दूंगी इसका? व्हाट वुड आई रिप्लाई? इतना अच्छा एक तो नाम है भरत सिंह. भगत सिंह अच्छा होता है, भरत सिंह नहीं. समझ रही? एंड दिस इज रियली क्रीपी. पब्लिक कॉल्स मी कुत्ता. क्या सोच के ऐसा कोई मैसेज? मतलब मैं तो ऐसा कभी ना करूँ किसी को. ऐसा कौन क्यों करते हो ऐसा मैसेज? क्या मतलब है? आई डोंट नो.
ये अच्छा नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट. आप लिख के ले लो, दिस इज नॉट समथिंग गुड. डोंट टेक्स्ट ऐसा, इट्स सो क्रीपी क्रीपी. एम आई ओवर रिएक्टिंग? नो आई एम नॉट, दिस इज एक्चुअली क्रीपी यार. मतलब ऐसे अजीब अजीब से मैसेज, तुम पागल हो जाओ. ओह गॉड, आई एम स्टिल नॉट ओवर इट. मतलब जस्ट इमेजिन करो, आपको कोई रियल में ऐसा इंट्रोडक्शन देगी, हाय माय नेम इज सो एंड सो, पब्लिक कॉल मी कुत्ता. इट्स गोइंग टू बी सो वियर्ड, सो वियर्ड. Samreen, get over it. Get over it. Next. Hey Samreen. Hey, hello, how? Okay. Hey, hello, how? Cutie pie. Hey baby, guess you are old na bacha, old na. Old bacha. Bacha वैसे sounds so cute, but this is really creepy. I mean, सारे जितने भी words आते थे सब कुछ use कर लिए. Cutie pie, baby, bacha. क्या बोलूँ मैं इस पर? Ignore. Okay, next one. Hey GM, hi, are you so busy chatting with your boyfriend? You even reply me once, hi, can I have your number? मतलब क्या लगता है ना, दिन भर हम यही करते रहते हैं क्या, चैटिंग विद बॉयफ्रेंड? एंड ठीक है, उसने वो बोला, फिर उसके बाद ही टेक्स्टेड, कैन आई हैव योर नंबर. मतलब अगर नॉर्मली किसी के पास बॉयफ्रेंड हो तो कोई अपना नंबर क्यों देगा, और आप मांग भी क्यों रहे हो? मतलब मैं तो वैसे भी ना दूँ, बट ऐसे जेन्युइनली अगर किसी को देना भी हो तो कोई क्यों देगा ऐसे रैंडमली किसी को भी. एंड देन ऐसे नो क्रीपी. नेक्स्ट, दिस इज क्यूट, डीपी क्यूट. किसकी, खुद की या मेरी? वैसे इसकी डीपी भी क्यूट है, पर ऐसे खुद से कौन खुद को कहता है? मतलब मैं भी अपने वीडियो के नीचे लिख दूँ ये क्यूट वीडियो, खुद का है मेरा? लेम समथिंग. नेक्स्ट, हाय, यू आर सो ब्यूटीफुल. I am also from Mumbai, Jogeshwari. I want to friendship for you. But पहले beautiful, फिर Jogeshwari, फिर friendship. मतलब अगर मैं मुझे किसी से friendship करनी हो और वो Jogeshwari का ना हो बल्कि Bandra का हो तो नहीं हो सकती friendship. क्या मतलब friendship के लिए ऐसे बाजू बाजू में रहना ज़रूरी है, ऐसा कुछ criteria है? कुछ भी. Next. Hi, beautiful. How are you? Looking very pretty like you. Of course, I would be pretty like me only, na? Pretty like you, मतलब क्या होता है? या फिर वो कहना चाहते हैं pretty like you, मतलब he likes me. But फिर full stop, comma कहाँ गया? Grammar. जब grammar सीखने का age था, तब ये सब फालतू काम कर रहे थे. कैसे सीखोगे grammar? फिर तो ये हाल होगा. It's your beautiful do pick. या फिर इट्स योर ब्यूटीफुल दो पिक. बट कौन सी पिक? मैंने तो कोई पिक भेजी नहीं. और विच पिक? प्रोफाइल पिक या कोई ऐसी पिक्चर? क्या इट्स योर ब्यूटीफुल दो पिक? दो पिक क्या होता है? मतलब मेरी दो ही पिक्चर अच्छी है, बाकी सब अच्छी नहीं है. अभी मुझे मजा आ रहा है, चलो नेक्स्ट. हे, आई नीड टू वॉर्न यू अबाउट समथिंग, रिप्लाई मी बैक व्हेन यू रिसीव दिस मैसेज. ऐसा क्या वॉर्न करना था इसे? कहीं मुझे कोरोना के बारे में तो वॉर्न नहीं करने वाला था? मैंने तभी इसका मैसेज देखा नहीं, ये 2018 का मैसेज है. अगर मैंने देख लिया तो मुझे पता चल जाता कि क्या वॉर्न करने वाला था. अभी वैसे भी आईडी डीएक्टिवेट हो चुकी है, मतलब ये हो सकता है कोई ऐसा खुफिया एजेंट हो जिसे कुछ ऐसा सीरियस पता चला हो, एंड बिफोर ही कुड टेल मी इसकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई या फिर हैक हो गई या फिर ये मर गया, क्या पता, कुछ भी. ओके नेक्स्ट, थम्स अप. क्या करो तुम सब का? सेम वोरा, सेम वोरा, डिफरेंट वोरा. ऐसे नाम कैसे लगते हैं? सेम वोरा, सेम समरीन, डिफरेंट खान. सो वियर्ड, दिस इज रियली वियर्ड. नेक्स्ट वाला, हाय, दिस इज अमर. फाउंड योर प्रोफाइल इंटरेस्टिंग, सो वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू. मतलब अगर मेरी प्रोफाइल इंटरेस्टिंग नहीं होती तो इसे फ्रेंडशिप नहीं करनी होती. मतलब ये लोग फ्रेंडशिप प्रोफाइल इंटरेस्टिंग है या ना है इस बेसिस पे करते हैं. तो अगर किसी के प्रोफाइल पे कोई पिक्चर्स नहीं है तो ऐसे लोगों से ये फ्रेंडशिप नहीं करते, ऐसा ये इनका लॉजिक है. रेस्ट इन पीस लॉजिक. हाय क्यूट समरीन, यू आर लुकिंग सो ऑसम, अमेजिंग. आप मुंबई से हो, पूछ रहा है या बता रहा है? ठीक है, थैंक यू, आई एम क्यूट, आई नो, ऑसम. आप मुंबई से हो, पूछ रहा है या बता रहा है? हेलो, आप
ब्रेकफास्ट में डव सूप खाती हूँ। अरे यार ये लाइन ना एक तो इतनी पुरानी हो गई ना, लिटरली ऐसे वाले सेम इतने मैसेजेस आते हैं ना, कौन खाता है डव सूप? आप खाते हो क्या? हाँ कौन खाता है, कौन खाता है? एक और, इसने ऐप, एटलीस्ट ऐप का आप लिखा है, आप क्या ब्रेकफास्ट में डव खाती हो? ऐसे पूरी गैंग बना के प्लानिंग की है क्या कि सब लोग एक साथ में इस टाइप का मैसेज भेजेंगे? हाँ कौन खाता है डव सूप? डव इज नॉट एडिबल, डोंट यू नो? अगर बचपन में थोड़ी सी पढ़ाई करी होती ना तो आज ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते मुझसे। जब पढ़ाई करना था तब ये सब किया, अब ऐसे ऐसे फालतू डाउट्स आ रहे हैं, मैं नहीं क्लियर कर रही। ओके नेक्स्ट। हाय समरीन, कैन वी बी फ्रेंड्स? गुड फ्रेंड्स फॉर एवर, नॉट फॉर टीपी। प्लीज रिप्लाई बैक डियर। हाय डियर, कैन वी बी फ्रेंड्स? मतलब एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछोगे? पहली बार रिप्लाई नहीं किया तो वापस से नो। एंड फ्रेंडशिप फॉर टीपी क्या होता है? मतलब तुमने पहले ऐसे टीपी वाली फ्रेंडशिप की होगी इसलिए तुम ऐसे कह रही हो। नॉट इंटरेस्टेड, नो। नेक्स्ट इज, हाय आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फैशन शो। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी करना है। कहना क्या चाहते हो? मतलब यू आर इंटरेस्टेड या फिर योर फ्रेंड इज इंटरेस्टेड एंड मुझसे क्या परमिशन मांग रहे हो? ठीक है कर लो। या तुम्हें मैं ऑर्गेनाइजर लग रही हूँ फैशन शो की कि मुझसे पूछ रहे हो? मम्मी से पूछो ना और फिर कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओके दिस वन इज फनी, नो नॉट फनी बट ओके आई टेल यू ऑल। गुड इवनिंग, गो करोना गो, प्लीज सपोर्ट गवर्नमेंट, स्टे होम, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मतलब इनका वीडियो देखने से और लाइक शेयर करने से गवर्नमेंट को सपोर्ट कैसे मिलेगा? एनीथिंग। ओके लास्ट वन, हाय यू लुक्स वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, गॉड गिफ्टेड ब्यूटी, थम्स अप। Then again the same message, hi Simu, this is so cringy, I don't like this name Simu, you looks very very pretty and very beautiful, God gifted beauty to you. Oh, so वो पहले to you लिखना भूल गया तो उसे लगा कि मुझे समझ में नहीं आया होगा तो उसने वापस से लिखा और वो पूरा एक ही उसमें डाल के, इतनी मेहनत यहाँ कर रहे हो एग्जाम्स में, कर लो यार। मैं समझ गई थी पहली बार में, सच में समझ गई थी, मुझे रिप्लाई नहीं करना था क्योंकि मैंने मैसेज देखा ही नहीं था तभी। एक्चुअली डोंट ओपन माई फेसबुक DM एट ऑल। तो आज के लिए इतना ही, मैं इससे ज़्यादा नहीं रीड कर सकती, आई एम सो डन, दिस इज लाइक टू मच फॉर मी। सो गाइज दैट इज इट, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू ऑल हैड फन। दिस वॉज लाइक अ वेरी रैंडम वीडियो, आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग इट ऐसे ही। आई यूजली डोंट रीड फेसबुक मैसेजेस और ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराने मैसेजेस है, अभी तो आई डोंट इवन यूज़ फेसबुक, बट मैंने ऐसे रैंडमली सोचा कि चलो, मतलब मैं ऐसे रैंडमली मैसेजेस देख रही थी, मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं, इट्स गोइंग टू बी फन। सो या दैट्स व्हाट आई डिड, सो आई जस्ट रैंडमली पिक्ड फ्यू मैसेजेस एंड आई जस्ट रेड इट एंड शेयर इट विद यू गाइस। आई होप यू एंजॉयड, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं हमें। सो या आई मीन नथिंग बैड इन इट, मतलब उनका खुद का ऐसा कुछ अलग सोच होगा इसलिए दे आर टेक्सटिंग ऐसे वाले मैसेजेस, बट ठीक है, मतलब ऐसे रीड करना इट गेट्स लिटिल, आई होप यू अंडरस्टैंड। No offense to anyone, jiski jo marzi wo karo. So yeah, that's it. I'll see you guys in my next one. Till that, take care of yourself, keep smiling, and I love you all. And also let me know what kind of videos you would want to see on my channel. You can just comment down your thoughts below. I would love to make those videos for you guys. Bye-bye.